कर्नल अजय जी, इसी के साथ आपसे कपास खली के ऊपर जानना चाहूंगा। कपास खली में हमने हाल फिलहाल में वायदा में एकदम से तेजी आते हुए देखी है। पहले हमने सीमित दायरे में कारोबार देखा था, उसके बाद से हमने अचानक से तेजी आते हुए देखी है। आपके अनुसार कपास खली में आगे कैसा रुझान रह सकते हैं और क्या वो कौन से फैक्टर्स होंगे जो कपास खली को आगे तेजी की ओर लेके जाएंगे? देखिए, बिनौना खली या कपास खली के ऊपर कल भी हमने अपने शो में कहा था, हैरान परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कपास के अंदर कुछ कमी नजर आ रही है, कुछ इसके दामों के अंदर कुछ कटौती नजर आई थी, उसका प्रभाव कुछ कपास खली पर भी पड़ा। लेकिन देखिए, कपास खली एक महत्वपूर्ण पशु आहार है और इस मौसम के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट भी अधिक होगी, तो कपास खली के अंदर तेजी की संभावना बनेगी और मुझे लगता है कि धीरे धीरे इसमें पुनः मजबूती बनेगी और इसमें कोई हैरान परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिनौना खली या कपास खली तेजी की ओर अग्रसर हो सकती है। जी अखिलेश जी, तो यानी कि बिनौना खल यानी कि कपास खली तेजी की ओर अग्रसर होती हुई नजर आ सकती है। अभी ऐसा कोई हाल फिलहाल में फंडामेंटल बनता नजर नहीं आ रहा है जो बिनौना खल को नीचे की ओर लेके जाए, तो कर्नल अजय जी के मुताबिक बिनौना खल में आगे तेजी ही देखने को मिलती रहेगी।